हेलो, तो आज हम करने वाले हैं DIY। तो ये मेरे पास एक हेलमेट पड़ा हुआ है और मेरे पे है स्प्रे पेंट। तो ये हेलमेट मैं यूज़ नहीं करता था बिकॉज़ इसकी हालत आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। और पेंट भी मैंने, मतलब ये काफ़ी टाइम से मेरे पे पेंट पड़ा हुआ था, तो आज करते हैं इसको स्प्रे पेंट और देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। पेंट स्प्रे करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वॉइज़र निकालना है क्योंकि हम इसको पेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ इसके दो नट होंगे, निकाल दिए मैंने। ठीक है, तो ये वॉइज़र हम साइड में रख लेते हैं और देखते हैं हेलमेट का कोई पोर्शन वैसे कवर करने वाला नहीं लग रहा है, पूरा हेलमेट ही कवर करना है। और इससे पहले कि मैं इस पर पेंट करूँ, इसको थोड़ा साफ़ कर देंगे हम किसी फोम पैड से या किसी भी चीज़ से। तो अब मैंने कर दिया है इसको वॉश अच्छी तरीके से और ये मैंने थोड़ा लगा दिया है कागज ताकि स्प्रे पेंट अंदर स्प्रे ना हो। और मेरे पास है ये स्प्रे पेंट, अब इसको हम हिलाएंगे एंड हमको इसकी डिस्टेंस रखनी है इतना। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसीजर कंप्लीट करके दिखाता हूँ क्या रिज़ल्ट रहा। तो ये हो गई फर्स्ट कोट हमारी, इसको थोड़ा देर सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब ये लगभग सूख चुका है एंड वी आर रेडी फॉर आवर सेकेंड कोट। इसमें जितना भी एरिया बचा हुआ होगा वो हम सब कवर कर लेते हैं। तो अब ये हमारी सेकेंड कोट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारे पास स्प्रे कैन है, इसको स्टोर कैसे करके रखना है। इसको शेक तो कर लिया था आपने, लेकिन अब इसे उल्टा टिल्ट करना है आपको और आपने स्प्रे करना है। अब इसमें से कोई पेंट नहीं निकल रहा है, तो अब ये सेफ है आगे स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम तक। तो मैंने इसको एक दिन पूरा सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब हम फिट करते हैं इसका वाइज़र। और फ्रेंड्स, मैंने ये वाइज़र लगा दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब लग रहा है हेलमेट एकदम झकास है ना, बिल्कुल मस्त। और आप इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन और करा सकते हैं, जैसे कि ये और ये, इसमें वाइट स्ट्राइपिंग लगा दीजिए और भी मस्त लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी और भी वीडियोस हैं अच्छी, वो भी देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।